नमस्कार। जय जय महाराष्ट्र। जय श्री कृष्णा। जय कल्कि। नॉर्मल बिहेव कर रहे एनिमल्स, एबनॉर्मल बिहेविंग इज नॉट अ गुड साइन। और ख़ास करके किसी भी नैसर्गिक आपदा की वो प्राइम एबनॉर्मल बिहेविंग जिस एरिया में हो रहा है, प्राइम है आप अर्थक्वेक, सेकंड सुनामी, साइक्लोन, इन तीन चीज़ों पे प्राइमरी जो है वो फोकस रहता है। ज़्यादा करके चांसेस अर्थक्वेक के और सुनामी के हैं, क्योंकि गुजरात में अगर सूरत में भी अगर भूकंप आएगा तो शायद उसका सुनामी का इम्पैक्ट जो है वो मुंबई पे गिरेगा। अब मुंबई में तो वैसे भी 7 क्या बीचेस जो रहे, 7 बेट जो थे उनको ज्वाइन करके वो बनाई गई है। वो पुराना जो अग्निपथ है उसमें आप देखोगे मांडवा अलग था, मुंबरा अलग था, सारे के सारे ऐसे अलग अलग पहाड़ अलग अलग बेट थे। तो मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, तुम लोगों का नसीब अच्छा है, वरना 15 फरवरी से एक अर्थक्वेक और एक सुनामी पेंडिंग है सूरत और मुंबई पे। ये तुम्हारा नसीब अच्छा है, तुम्हारा नसीब अच्छा है, क्योंकि भारत में जो 5 चोजन वन है, स्टार सीड जो है, उसमें से एक वाला जो है ना वो तुम्हारे सूरत में बैठा हुआ है। इसलिए उसने कंट्रोल कितने दिन, मगर मानव जाति का उत्थान करने के लिए वो जरूरी है, क्योंकि वो तांडव नहीं होगा तब तक ये जो झारे है ना, ये सेल्फिश लोग सब प्रार्थना करते हैं। मैंने प्रार्थना की थी दिवाली के पाड़वे को सुबह 4:30 बजे, जब मैंने वो मंजर देखा। कल भी लाइव खत्म होने के बाद मैं जब क्लिनिक पे गया और थोड़ी देर मेडिटेशन कर रहा था, मैं थक गया था, नींद आ रही थी बहुत बुरा मंजर देखा है मैंने। और इसलिए कह रहा हूं कि देखो, मुंबई में नई मुंबई छोड़ दीजिए, दूसरी मुंबई लीजिए, दादर, मुंबई, अंधेरी वगैरह वगैरह, सांता क्रूज वगैरह, ये वाशी बिशी, ये नहीं मुंबई, वो छोड़ दीजिए, ठाणे वो नहीं। प्रॉपर मुंबई में ही 2 करोड़ लोग रहते हैं, कितना 2 करोड़। पूरे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है और मुंबई में कितने रहते हैं? 2 करोड़। यानी महाराष्ट्र के पॉपुलेशन का 20% हिस्सा अकेले मुंबई में है, नई मुंबई और ठाणे अलग। टोटल गुजरात में 8.5 करोड़ लोग रहते हैं, 8 या 8.5।
टोटल यूपी में 22 करोड़ लोग रहते हैं, जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, पूरे पाकिस्तान की, जिस पे मोदी राजकारण करता है, पाकिस्तान को हम मिटा देंगे, हम ये करेंगे, हम लौड़ा करेंगे, हम लहसुन करेंगे, वो जितनी पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन है ना, 22 करोड़ उतनी अकेले की है, 22 करोड़। और मैंने आपसे कहा है कि जो मैंने देखा है डायमेंशन में 2025 से लेकर 2030 तक, आज जो बोल रहे ना, अरे हमको कुछ नहीं हुआ, अरे किधरे डॉक्टर जगह फेंकता है, हम तो मरे नहीं, कौन मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है, मरोगे टेंशन मत लो, सिर्फ HIV से मरोगे, अगर हार्ट अटैक से नहीं मरे ना, सुकून की मौत नहीं आई ना तुमको, तो इतना याद रखना, सड़ सड़ के मरोगे, सुकून की मौत नहीं मरोगे, सड़ सड़ के मरोगे, नाम याद रखना, किसने बोला ये 2020 से कौन बता रहा है, डॉक्टर विलय जगदाय, अकेला था जो स्टार्टिंग से बता रहा था, मत लो रे, नहीं मोदी का वैक्सीन है, मोदी ने लाया है, देश हित के लिए लाया है, लग गई, जब सड़ोगे तब समझेगा, अभी तो नहीं समझेगा, क्योंकि प्यार से तो होता नहीं है, प्यार से समझा रहा था, मानोगे नहीं, 140 करोड़ में से 110 करोड़ तो वैसे ही मरने वाले हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वो लिख चुका है, जैसे मैं कल भी कहा था, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था, ये कौरव तो मर चुके हैं, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया है उत्तंग ऋषि का, भृग वंश के, भृग वंश के उत्तंग ऋषि का, जब श्री कृष्ण महाभारत खत्म करके जब द्वारका जा रहे थे, और इसी तरह से वावंट था, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता पीने को, वहाँ पे उनको नेचर से मैसेजिंग होती है, चैलेंज होती है कि उत्तंग ऋषि कहीं तो भी आसपास है, तो उत्तंग ऋषि से मिलने आते हैं, और वहाँ पे उत्तंग ऋषि उनसे पूछते कि केशव, तुमने तो अपने ताकत और अपने दिमाग और बातों से कौरव और पांडवों का युद्ध तो रोक दिया होगा, केशव बहुत देर, नहीं ऋषि जी, मैं नहीं रोक पाया, और महाभारत हुआ, कौरव युद्ध, कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, धृतराष्ट्र और माता कुंती के कोई पुत्र नहीं बचे, सिर्फ 5 पांडव छोड़ के, और पांच और वीर थे जिनमें आपका द्रोणाचार्य का बेटा वो एक है, एक 2-3 और थे जिसमें, और आखिरी 10वां जो था वो आखिरी श्री कृष्ण था, बस ये 10 लोग ही हम बचे, वरना कोई नहीं बचा, लाखों की सेना थी, कौरवों की लाखों की सेना थी, सेम पांडवों की भी लाखों की सेना थी, कई सारे बड़े बड़े योद्धा थे,
वो महाभारत था। ये महाभारत 2.0 है। इसमें भी करोड़ों मरेंगे, आखिर में आने वाला है तो साथ में सिर्फ कर्म ना, कर्म अपना कर्म करो, क्योंकि अगर मरना ही है तो लड़के मरो, शान से मरो, बुजदिलों को जैसे घर में बैठ के और एड्स से मर के क्या मरना है, फिर पैदा होना पड़ेगा। कम से कम लड़ोगे तो वीर बनोगे, वीर बनोगे तो इस जन्म चक्कर से मुक्ति पाओगे। आखिर में आते क्यों हो, मानव जाति है क्यों, मानव जन्म सिर्फ मुक्ति के लिए, कुत्ते बिल्ली चूहे ये मुक्ति नहीं ले पाते क्योंकि वो कर्म नहीं कर सकते हैं और उनके कर्म आज कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। मौका मिला है और बड़े नसीब से तुम इस टाइम पैदा हुए हो जब युग परिवर्तित हो रहा है। ये जो देख रहे हो ये कुछ नहीं रहेगा, 2030 के बाद में ये कुछ नहीं रहेगा, ये छोड़ छाड़ के नई लैंड आएगी, नया भारत आएगा, वहां जाना पड़ेगा। आप लोगों के साथ मैं आज बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या ऋषि उत्तंग जो थे उनको पता नहीं था कि महाभारत हो गया और कौरव मर गए, सिर्फ 5 पांडव बचे थे, सब कुछ खत्म हो गया, उनको कुछ पता नहीं था। इसी तरह आप लोगों को मैं आके बता रहा हूं कि महाभारत में अभी राधा जाके कृष्णा से मिली, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब सेकंड चैप्टर बिगिंस। सेकंड चैप्टर क्या है वो आके राकेश शर्मा आपको बताएंगे, वो उनका डिपार्टमेंट, मेरा मैं नहीं बताऊंगा, वो बताएंगे। तो इसी तरह से कई सारे यहाँ पे महंत होंगे, ऋषि होंगे, उनको पता नहीं है कि कल की महाभारत स्टार्ट हुआ है, कल की आया है। भले वो संत है, भले वो गुरु है, किसी को ये नहीं पता है। तो इसलिए मैं आपको, अगर मैं आके बता रहा हूँ आपको कि ये हो रहा है महाभारत में, इस तरह जा रही महाभारत और ये होने वाला है। कुछ समय बाद तो YouTube भी नहीं रहेगा, YouTube भी नहीं रहेगा और आप कुछ देखोगे मगर यहां नहीं, टीवी पे, न्यूज चैनल पे। जहाँ जाना है वहाँ तो लेके जाएंगे नहीं, आएंगे तो हम ही, जो जागा है वही बचेगा। 140 में से 110 मरेंगे, 35 से 37 करोड़ बचेंगे, जो बचेगा जो जागेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा, जय कल्कि भगवान।